नेक्स्ट डेरिवेशन ये है तुम्हारे सामने, राइट right? क्या कहता है ये डेरिवेशन देखो जरा. शो दैट अ लीनियर एसएचएम इज प्रोजेक्शन ऑफ ए यूसीएम अलोंग एनी ऑफ इट्स डायमीटर. इसका मतलब कुछ नहीं है, मान लो यहाँ पे एक रफ डायग्राम निकालता हूँ, ऐसा कोई पार्टिकल है जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है अलोंग दिस सर्कल. देखो इस तरीके से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट right? अब इस पार्टिकल का प्रोजेक्शन यानी ये यहाँ पर है. अब अगर ये पार्टिकल यहाँ से इधर आता है तो इसका प्रोजेक्शन इधर है, फिर आगे चल के इधर आता है तो ये प्रोजेक्शन है. तो ये पार्टिकल इस तरीके से ये प्रोजेक्शन करेगा, राइट. सो दिस प्रोजेक्शन ऑन द डायमीटर, दिस प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन एक एसएचएम, ये हमको प्रूव करना है, राइट right? तो उसके लिए इधर अपने डायग्राम निकालिए, देख लो जरा. दिस इज द डायग्राम, इधर बाजू में जो दिख रही है फेयर डायग्राम है दिस वन. अब मान लो यहां पे ये देखो, दिस वॉज द पार्टिकल इनिशियली. अब इनिशियली वो पार्टिकल था तुम्हारा कहां पे, देखो जरा पी पॉइंट. तुमको पी पॉइंट दिख रहा है क्या, देखो. सो यहां पे था इनिशियली, उसका प्रोजेक्शन देखो जरा इधर है. थोड़ी देर के बाद इन टाइम टी ये पार्टिकल यहां से यहां आया. सो इनिशियली इस आर पॉइंट पर इसका प्रोजेक्शन था, पार्टिकल जो था रेफरेंस पार्टिकल जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है वो पी पॉइंट पर है और उसका प्रोजेक्शन है आर पॉइंट पर. सो इस आर पॉइंट की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज एक्स नॉट. अब थोड़ी देर के बाद ये पी पॉइंट मतलब जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है या फिर उसको रेफरेंस पार्टिकल बोलेंगे वो आया है क्यू पॉइंट पर, तो उसका प्रोजेक्शन यानी परछाई आ गई तुम्हारे डायमीटर पर एस पॉइंट पर. लेट अस से इसका हम डिस्टेंस मानते हैं एक्स. नाउ दिस ओ एस दिस होल इज एक्स एट एनी टाइम टी. अब अगर इस डायग्राम में देखोगे तुमको जो दिख रहा है ये इनिशियल, ये जो फाई था उसका इनिशियल एंगल था, ऑलरेडी पी पॉइंट पर था वो पार्टिकल. पार्टिकल ऐसी कोई बात नहीं है कि यहीं से शुरू करना चाहिए सर्कुलर मोशन, ऐसी कोई बात नहीं होती, कहीं से भी कर सकता है. तो ये दिस इज योर इनिशियल एंगल और ये तुम्हारा उसके बाद मोशन स्टार्ट होने के बाद इतना एंगल इसने ट्रेवल किया, इसको हम ओमेगा टी लिखते हैं. क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में तुमको पता है ओमेगा इज नथिंग बट एंगल ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन. सो सिंपल सी बात है, थीटा बिकम्स ओमेगा इनटू टी. सो दिस योर होल एंगल वी विल कॉल दिस एज अल्फा एंड दिस अल्फा इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ओमेगा टी एंड फाइ. जरा देख लो डायग्राम में, बिल्कुल आसान तरीके से समझ रहा है. और अगर तुम देखोगे, मान लो मैं इस पॉइंट को यू मानता हूं, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस इज एक्टिंग एज अ ट्रांसवर्सल, देयरफॉर दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी अल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से समझ में आया. सो ये एंगल दिस विल ऑल्सो बिकम अल्फा. चलो अब इसकी कुछ ट्रिग्नोमेट्री लिख लेते हैं हम. देखो इधर तो तुमको ट्रायंगल पर फोकस करना है, कौन से, ओ एस क्यू. इन ट्रायंगल ओ एस क्यू व्हाट डू वी हैव, देखो भाई ये वाला ट्रायंगल, साइन अल्फा इज इक्वल टू अपोजिट साइड जो कि तुम्हारी होती है इस अल्फा के अपोजिट वाली यानी ये वाली साइड ओ एस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस. ये है तुम्हारा ओ हो, इसको जरा आराम से देखो. अब अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है इस पूरे डायमीटर के ऊपर, तो हमने ये देखा है कि ये टोटल ए से लेकर बी तक उसकी पाथ लेंथ है, राइट. और फिर यहां से यहां तक जो कि सर्कल की रेडियस है, या फिर देखो यहां से यहां तक जो कि सर्कल की रेडियस है, इसी को हम एसएचएम में एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं. तो उस हिसाब से अगर मैं यहां पे क्या करता हूं, इसको बोलता हूं एम्पलीट्यूड, तो तुम्हारा जो ये ओ क्यू है वो भी बन जाएगा एम्पलीट्यूड ए. तो साइन अल्फा इज इक्वल टू तुम्हारा अपोजिट साइड जो कि है ओ एस अपॉन हाइपोटेनियस जो कि है ओ क्यू. इट बिकम्स ओ एस तो है तुम्हारा एक्स, दिख रहा है ना, और ओ क्यू एम्पलीट्यूड है. ये देखो ये एम्पलीट्यूड यानी रेडियस ऑफ द सर्कल, कुछ नहीं है. अब क्या होगा, अब होगा ये
कि बेटे इस a को मैं इधर लेके आता हूं तो मेरे पास बनता है x इज इक्वल टू a साइन अल्फा, बट भूलना नहीं दिस अल्फा इज नथिंग बट ओमेगा टी प्लस फाइ, सो आई विल राइट बट अल्फा इज ओमेगा टी प्लस फाइ, सो तुम्हारा क्या आ जाता है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। दिस रिजेंबल्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन SHM, देयरफॉर इट प्रूव्स दैट, ऐसा लिखेंगे हम, दिस इज इन अकॉर्डेंस विद द डिस्प्लेसमेंट इन SHM, देयरफॉर द प्रोजेक्शन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग UCM ऑन इट्स डायमीटर इज एन SHM, हेंस प्रूव्ड। ओके चलो दूसरा क्वेश्चन, ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था ना वो 3 मार्क्स का था, चलो ये भी तुमको 3 मार्क्स या 4 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, राइट ये क्या है, देखो ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोजिशन ऑफ 2 SHM, तुम्हारे पास 2 SHM है जिनका क्या सेम है, देखो जरा उनका पीरियड सेम है, मतलब टाइम पीरियड सेम है, इसका मतलब ऑफकोर्स ओमेगा भी सेम होनी चाहिए, फ्रिक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, अलॉन्ग द सेम पाथ, मतलब एक SHM इस पाथ में पार्टिकल को SHM कर रहा है ऐसा, तो दूसरा पार्टिकल भी इसी, दूसरा पार्टिकल या फिर दूसरी SHM भी इसी पाथ में होनी चाहिए और उनका फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, बस उनका एम्पलीट्यूड अलग है, तो इन दोनों को अगर सुपर इम्पोज किया जाए तो नया क्या बनता है, देखिए सुपर इम्पोजिशन ऑफ SHM अलॉन्ग सेम पाथ ये भी होता है, और सुपर इम्पोजिशन ऑफ SHM अलॉन्ग डिफरेंट पाथ, मतलब एक SHM इस तरीके से और एक SHM इस तरीके से, SHM यानी एक्चुअली फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, अगर फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल अलॉन्ग सेम पाथ है और लेकिन दो अलग अलग फोर्सेस है तो कॉम्बिनेशन ऑफ, और वो फोर्स इस तरीके से है कि प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, यानी ऐसे फोर्स है जो कि SHM प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो वो अगर अलॉन्ग सेम पाथ है तो क्या होगा ये हमको पूछा है, अलॉन्ग डिफरेंट पाथ का हमको नहीं है, लेकिन अलॉन्ग डिफरेंट पाथ अगर है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो पार्टिकल को सर्कुलर मोशन, कभी कभी इलिप्सॉइडल मोशन ऐसे कुछ भी करता है, तो इसको लैसर्जियस फिगर बोलते हैं, हमको नहीं है, हम सिंपल क्या करेंगे अलॉन्ग सेम पाथ, तो पहला फोर्स है जो कि SHM प्रोड्यूस कर रहा है गिवन बाय लेट देर आर टू SHM, है ऐसा लिखेंगे हम, लेट देर आर टू SHM अलॉन्ग द सेम पाथ विद सेम फ्रिक्वेंसी, वन इज एक्स वन इज इक्वल टू ए वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन, हाँ इपोक भी अलग है दोनों का, दूसरी SHM है एक्स टू इज इक्वल टू ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू, ठीक है दोनों का इपोक डिफरेंट है और दोनों का एम्पलीट्यूड भी डिफरेंट है लेकिन ओमेगा सेम है और दे आर अलोंग द सेम पाथ, अब क्या होगा, अब इनका सुपरपोजिशन करना है, मतलब रिजल्टेंट SHM, ऑफ कोर्स यार रिजल्टेंट SHM यानी वेक्टर सम ऑफ दिस टू, अब हम वेक्टर लिखते नहीं क्योंकि ये अलोंग द सेम पाथ है इसलिए डायरेक्ट हम x1 प्लस x2 ही लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ये रिजल्टेंट है, ठीक है, सो x रिजल्टेंट इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x1 क्या है तुम्हारा a1 वन साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन एंड व्हाट इज योर x2, दिस इज योर x1 प्लस x2, ये लिख दिया मैंने x2 भी, अब हमको इस्तेमाल करना है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, देखो इधर है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, एज वी नो दैट साइन ए प्लस बी, चलो बताओ जरा क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस साइन बी कॉस ए, राइट ऐसे होता ही है, अब अगर मैं इसको ऊपर इस्तेमाल कर लेता हूं तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, देखो रे बेटा x रिजल्टेंट इज इक्वल टू x1, देखो जरा ये वन है इसको मैं जैसा का वैसा लिख रहा हूं, अब इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं साइन, ये तुम्हारा ए है और ये तुम्हारा बी है, तो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, ओ हो क्या गलती कर दी, यहां पे फाइव वन होना चाहिए ना, ठीक
एक ब्रैकेट हो गया ये, उसके बाद कॉस ए साइन बी तो ये तो सिर्फ एक ब्रैकेट हुआ है, राइट। इसके बाद ये प्लस कुछ समझ, सॉरी ये प्लस, अब ये दूसरे ब्रैकेट को एक्सपांड करूंगा मैं ए टू। अब इसको देखो, इसको 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 कर रहे हैं हम एक्सपांड, साइन ये तुम्हारा ए और बी, बस एक्सपांड करने के बाद क्या दिख रहा है देखो, डायरेक्टली लिखता हूँ। हाँ ठीक है, इधर भी एक गलती हो गई, गलतियों को जरा ध्यान दो बेटा। ये 5-1 होना चाहिए, 5-2 नहीं, 5-1 ही होना चाहिए, ठीक है। 5-2 नीचे आएगा, चलो ठीक है। एक्सप्रेशन सिमिलर है, बस यहाँ पे देखो, यह इधर 5-1 है और इधर 5-2 का इस्तेमाल किया, राइट। इधर 5-1, इधर 5-2। अब देखो तुम्हारे पास कौन से टर्म्स है। देखो तुमको इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, साइन ओमेगा टी, और तुमको इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉस ओमेगा टी। ऑफकोर्स ये जो ए वन है ना, इसको बाहर रखेंगे हम, अंदर भी रखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर अंदर रखोगे तो क्या होगा, इधर भी ए वन होना चाहिए बस। तो ए टू इधर है तो इधर भी ए टू होना चाहिए, ये वाला। चलो अब कॉमन क्या दिख रहा है जरा देखो, टेकिंग कॉमन, अब मैं इन दोनों में कॉमन निकाल रहा हूं। सो एक्स रिजल्टेंट इज इक्वल टू, देख बेटा इनमें से साइन ओमेगा टी कॉमन निकल गया, साइन ओमेगा टी, अंदर क्या बचा, क्या बचा फिर देख, ये और ये बचे, ए वन कॉस 5-1 प्लस, देखो ये और ये बचा, ए टू कॉस 5-2। अब तुमको चाहिए इन दोनों में कॉमन, ये और ये, देखो इन दोनों में तुमको क्या कॉमन निकल रहा है, कॉस ओमेगा टी। सो दिस इज प्लस कॉस ओमेगा टी, और अंदर क्या बचा, इनमें से ये कॉस ओमेगा टी निकला, तो ए वन, ये देखो ये दोनों ए वन साइन 5-1 प्लस, यहां पर ये दोनों बचेंगे ए टू साइन 5-2। ओहो मस्त है एकदम। देखो अब ए वन 5-1 ए टू 5-2 ये सभी कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है देखो, एज ए वन 5-1 ए टू एंड 5-2 आर ऑल कॉन्स्टेंट्स। सो मैं इनको क्या लिख सकता हूं देखो जरा, आई कैन राइट हेंस लेट मैं ए वन कॉस 5-1, देखो मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है ये दो चीजें हैं, दिख रही है ये दो चीजें, इसको मैं लिख सकता हूं एक नया कांस्टेंट कुछ आर इंटू कॉस डेल्टा, और इसको मैं लिख सकता हूं आर साइन डेल्टा, वेर डेल्टा इज अ न्यू कांस्टेंट, बस मैंने ऐसा रिप्लेस कर दिया। अब मैं इन दोनों को, इस चीज को, इस बंदे को डालूंगा यहां पर और इसको डालूंगा यहां पर, ठीक है तो क्या बनेगा देखो, देयरफोर ये जो तुम्हारा इक्वेशन है ना, इसको इसको बोलेंगे हम, ये जो दिख रहा है ये पूरा का पूरा इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज लेट अस से इक्वेशन 1। देयरफोर इक्वेशन 1 बिकम्स, हम पुटिंग इन 1 और या फिर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये छोटी मोटी चीजें तुम लिख लिया करो, राइट। तो बन जाएगा तुम्हारा साइन, ऑफकोर्स एक्स आर है यार, राइट साइड को एक्स आर, लेफ्ट साइड को एक्स आर इज इक्वल टू, पहले मैं लिख रहा हूं ये देखो साइन ओमेगा टी इनटू, इस पूरे को मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है देखो जरा, आर कॉस डेल्टा प्लस, ये देखो तुम्हारा प्लस, उसके बाद है तुम्हारा कॉस ओमेगा टी, और ये जो तुमको दिख रहा है ये, इस पूरे को हमने क्या लिखा है, आर साइन डेल्टा, आर साइन डेल्टा।
तो तुम्हारे पास क्या आएगा, देखो एक्स आर इज इक्वल टू, मैं कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, ये आर, और अंदर आएगा साइन, इधर भी देखो आर है राइट, अंदर आएगा साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन डेल्टा। अरे बाप रे, देखो ये कॉस ए प्लस बी, ये साइन ए प्लस बी का ही तो फॉर्मूला है। सो दिस इज नथिंग बट आर साइन ए प्लस बी। सो जो नया सुपर पोजिशन करके, दो एस एच एम का सुपर पोजिशन करके जो नया इक्वेशन आ रहा है हमारा, वो भी तो एक एस एच एम का इक्वेशन है। यानी दो अलग अलग एस एच एम हैविंग सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ, अगर सुपर इम्पोज करते हैं हम इनका वेक्टर सम करते हैं, तो वी विल गेट अ न्यू एस एच एम जिसका रिजल्टेंट है आर। इट कैन बी गिवन बाय आर, कैन बी फाउंड बाय आर इज इक्वल टू, देखो इधर जो है ना ये देखो, इसको अगर आप स्क्वायर करके ऐड करते हो तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू तुम्हारे पास फॉर्मूला आ जाता है। इसके बाद हम लिखते हैं इसको कुछ इक्वेशन टू नाम दे देंगे, और लिखते हैं हम, लिखना पड़ता है इक्वेशन टू इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर सुपर पोजिशन ऑफ टू एस एच एम्स हैविंग सेम पीरियड एंड अलॉन्ग द सेम पाथ हुज रिजल्टेंट इज गिवन बाय आर इक्वल टू। देखो रिजल्टेंट हम कहां से निकल सकते हैं, हुज रिजल्टेंट इज गिवन बाय एंड डेल्टा इज गिवन बाय, वो देखेंगे हम, प्रूव करेंगे। एक्चुअली मैं पहले फॉर्मूले निकालता हूं, रिजल्टेंट इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव टू माइनस फाइव वन, या फिर फाइव वन माइनस फाइव टू, कॉस को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ये हो गया एक। एंड डेल्टा इज गिवन बाय टेन इनवर्स ऑफ, देखो ये बहुत बड़ा है, क्या है देखो ए वन साइन फाइव वन प्लस प्लस ए टू साइन फाइव टू, नीचे लिखेंगे हम ए वन कॉस फाइव वन प्लस ए टू कॉस फाइव टू। ये नीचे वाला तो बहुत आसान है, कहां से आया देखो जरा, ये जो दो इक्वेशंस हमने बनाए थे ना, ये देखो ये वाले, बस इन दो इक्वेशंस को क्या करो आप डिवाइड करो। दिस इज योर इक्वेशन वन, लेट अस से, अब पता नहीं यार कौन सा इक्वेशन, मान लो कोई फोर इक्वेशन है और ये फाइव है, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आर और आर कैंसिल होगा। मतलब डिवाइड कैसे करना है, उल्टा करके, इसको जरा उल्टा करके लिखो तो सिंपल है। देखो इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आर और आर कैंसिल होके टैन डेल्टा बनेगा, और टैन डेल्टा इज इक्वल टू, ये देखो ये यही तो चीज आ रही है राइट, टैन डेल्टा। और इस टैन को अगर मैं इधर लेके जाता हूं तो वही टैन इनवर्स बन जाएगा। सो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। अब बात आती है आर की, आर के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो इक्वेशंस है हमारे पास इनको स्क्वायर करके ऐड करो, मतलब इक्वेशन फोर का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर प्लस इक्वेशन फोर का स्क्वायर, ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा। एक्चुअली देखो फाइव का स्क्वायर, मैं पहले इधर क्या लिख रहा हूं, देखो मैं पहले ये लिख रहा हूं, तो क्या होगा ये आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। अब इन दोनों में से आर तो कॉमन निकलेगा, अगर आर कॉमन निकालते हो तो तुम्हारे पास डायरेक्टली ये आ जाता है, इसको ये देखो ये इज इक्वल टू ये इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये बहुत बड़ा है। अभी जब इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के साथ ऐड करते हो, और मतलब साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव को वन लिखते हो, जैसे कि इसको आप वन लिख सकते हो राइट, तो हमारे पास आर स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्टली आता है ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव टू माइनस फाइव वन। अब सॉल्व करके देखो बहुत ही आसानी से आता है राइट। सो हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, देखो इसको तो कर दिया, इसके लिए हम डायरेक्ट लिखेंगे बाय स्क्वेरिंग एंड एडिंग इक्वेशन फाइव एंड फोर वी गेट दिस, एंड देयरफॉर आर इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट ऑफ जो भी है तुम्हारा ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव टू माइनस फाइव वन, इस तरीके से राइट क्लियर। नाउ वी विल डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम।
सिंपल पेंडुलम क्या होता है, सबसे पहले इस तरीके से एक स्ट्रिंग होती है जिसकी लेंथ एल है, यहाँ पे एक बॉब होता है जिसका मास एम है, और इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करने के बाद यहाँ से इधर और इधर से इधर ऐसे ऑसिलेट करता है, जिसको स्कीमेटिकली इधर दिखाया गया है, राइट। चलो अब इसको वन बाय वन इसका टाइम पीरियड हम फाइंड आउट करने की प्रोसीजर देखेंगे। सो दिस विल बी अ 4 मार्क क्वेश्चन। यहाँ पे और एक क्वेश्चन एडेड होता है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द टाइम पीरियड। चलो लेट अस से, ओके नाउ लेट अस से दिस पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड बाय एंगल थीटा, राइट। अब नाउ हमको पता है कि इसके अंदर कौन से फोर्सेस है। देखो यहां पर सबसे पहले इसका mg, दिस विल बी एक्टिंग डाउनवर्ड। उसके बाद है टेंशन इन द रिंग स्ट्रिंग विल बी एक्टिंग इन दिस वे, राइट। अब इनको हम स्प्लिट करेंगे, राइट। इसको स्प्लिट करने पर क्या मिलेगा तुमको, सबसे पहले इफ आई एक्सटेंड दिस लाइन देन आई कैन वेरी कंफर्टेबली से दैट दिस एंगल इज थीटा, राइट, बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नाउ इसके हम दो कंपोनेंट्स गिराएंगे एम जी के, वन विल बी लाइक दिस, दिस इज नियर कंपोनेंट इसलिए हम इसको बोलेंगे एम जी कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट विच विल बी अलोंग दिस पाथ एंड इट विल बी कॉल्ड एज एम जी साइन थीटा, राइट। अब ये दिस टी विल कैंसल दिस एम जी कॉस थीटा एंड दिस एम जी साइन थीटा विल एक्सेलरेट द बॉब टुवर्ड्स द मीन पोजिशन, दिस इज द मीन पोजिशन। ऑफकोर्स इधर भी है पाथ इसका, लेकिन मैंने हाफ ही पाथ दिखाया है, और ये भी एंगल बहुत छोटा होता है, मैंने यहाँ पे कुछ ज्यादा बड़ा दिखाया है। नाउ दिस ओ एंड लेट अस से दिस इज पी, दिस ओ पी एक्ट्स एज द आर्क ऑफ द सर्कल, आर्क ऑफ द सर्कल ये भी याद रखना है। तो आई कैन वेरी इजिली से दैट दिस ओ पी, सॉरी सबसे पहले द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल विल बी एम जी साइन थीटा, बट आई विल राइट इट एज माइनस एम जी साइन थीटा। वाई, बिकॉज फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट फॉर वेरी एंगल फॉर थीटा, फॉर स्मॉल थीटा वॉट वी कैन राइट, साइन थीटा nearly equal to theta, this implies f becomes minus m g theta, but I can also say that this is the length of the arc and length of the arc is given by or in any triangle this theta is given by c, दिस इज द लेंथ, राइट। हम इसको एक्स भी बोल सकते हैं, राइट, और ये बहुत छोटा है, एंगल छोटा है, तो दिस एक्स विल एक्ट एज अ स्ट्रेट लाइन, नियरली स्ट्रेट लाइन। सो थीटा कैन बी रिटन एज आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द आर्क, दिस इज एल इज द लेंथ ऑफ द बॉब सॉरी स्ट्रिंग एंड दिस लेंथ एक्ट्स एज द रेडियस ऑफ दिस आर्क ऑफ द सर्कल। बेसिकली ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, उसका एक छोटा सा आर्क है, वो ऐसे आपको इमेजिन करना है, बहुत ही सिंपल सी बात है, कुछ नहीं, ठीक है। सो एक्स बाई एल, सो व्हाट आई हैव इज आई आल्सो हैव एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब इन दो चीजों को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो एफ की जगह पर मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एम जी, और थीटा की जगह पर एक्स बाई एल आएगा, सो दिस विल कैंसल। So I can write A by G is equal to X by L in magnitude. अब ये minus का problem हटा दो, क्योंकि ये क्या है, सिर्फ ये बताता है कि force and displacement are oppositely directed. So this is called as the अब इसको मैं थोड़ा सा rearrange करूँगा, तो क्या आएगा, देखो A by X is equal to ये G ऊपर जाएगा, तो G by L, this is nothing but acceleration per unit length. Now this is very important, acceleration per unit length. ये दो तरीके से इसका डेरिवेशन किया जाता है, एक है acceleration per unit length, और
और हमको पता होता है कि टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन पर यूनिट लेंथ, एक्सेलरेशन पर यूनिट लेंथ। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड, राइट? सो व्हाट वी हैव इज द टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। उसके बाद आपको बताना है व्हाट इज एल, एल इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट पॉइंट। और आपको ये भी पूछते हैं एक मार्क के लिए, 3 मार्क का डेरिवेशन एक मार्क के लिए, ये पूछते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स। सो वन इज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन स्क्वायर रूट ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लेस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, मतलब यहां तक लिया और वहां से छोड़ दिया या फिर यहां तक लिया और छोड़ दिया, सो एक्स पर भी डिपेंड नहीं करता। इसको और एक तरीके से भी हम डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव कर सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जी बाई एल इंटू एस। ऑफकोर्स यहां पे माइनस था, भूलना नहीं है, है ना, ये माइनस। तो हमको ये पता है कि एक्सेलरेशन इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा स्क्वायर, राइट? सो ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल, राइट? ओमेगा आ गया तो टाइम पीरियड आ गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा, सो सिंपली 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, ठीक है? ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो दिस सिंपल पेंडुलम विल नॉट एक्ट, विल नॉट परफॉर्म द ऑसिलेटरी मीन सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना? ये हम जो लिख पाए हैं उसी की वजह से तो ये आया है, राइट? ठीक है, सो दिस इज ट्रू फॉर स्मॉल एंगल्स। चलो आगे चलते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द एंगुलर एसएचएम, जैसे लीनियर एसएचएम है वैसे ही है। मान लो ऐसी कोई डिस्क है, राइट? इसको ऊपर से ऐसे किसी स्ट्रिंग से फिक्स किया है। अब इस डिस्क को मान लो तुम ऐसे थोड़ा सा रोटेट करते हो तो ये जो फाइबर है ये ट्विस्ट हो जाता है और ये इस डिस्क के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन पर टॉर्क लगाता है। सो हम लिख सकते हैं कि टॉर्क एक्टिंग ऑन द डिस्क is proportional to the angle of twist and is oppositely directed to that angle. So torque, जिसको ये torque is equal to minus c theta. इसी c को बोलते हैं torsional constant of the fiber और इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसका differential equation. Torque is nothing but I into alpha is equal to minus c theta. Alpha इसको हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर, है ना? अल्फा इज डी ओमेगा बाय डी टी और उसका और एक डिफरेंशियल किया तो डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी और ये आई अगर नीचे आता है तो माइनस सी बाय आई थीटा। आई कैन डिफाइन दिस माइनस सी बाय आई, सॉरी सी बाय आई एज ओमेगा स्क्वायर, देन आई कैन राइट डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। By shifting this to the LHS, d square theta by dt square plus omega square theta is equal to zero. This is the required differential equation of the angular SHM and it is quite similar to the differential equation of the linear SHM, which is as follows: d square x by dt square plus omega square x is equal to zero. These are quite similar, right? Okay. Now the next question.
लास्ट डेरिवेशन है हमारा, प्रूव दैट अंडर सर्टन कंडीशंस अ मैग्नेट वाइब्रेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परफॉर्म्स एंगुलर SHM। देखो, कोई भी एक अर्थ के ऊपर की प्लेस कंसिडर करो, जहां पर अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज BH। इसको लिखा करो, BH इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो तुमने किसी मैग्नेट को इस तरीके से सस्पेंड किया और उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ हॉरिजॉन्टली इस डायरेक्शन में है, राइट? तो बेसिकली ऐसा प्लेन आपको इमेजिन करना है, ये वाला, और यहाँ पर ऐसी फील्ड्स है, राइट? अगर इसको ऊपर से देखोगे तो तुमको कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए, टॉप व्यू, राइट? कैसा दिखना चाहिए देखो, दीज आर द फील्ड लाइन्स और इसके अंदर एक मैग्नेट रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये हुआ मैग्नेट, राइट? अब इस मैग्नेट को अगर हम छोटा सा ट्विस्ट करते हैं, ओके, इस तरीके से अगर हमने ट्विस्ट कर दिया, सो दैट दिस एक्सिस ऑफ द मैग्नेट मेक्स एन एंगल ऑफ थीटा विद द मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको पता है कि द टॉर्क एक्टिंग, देखिए इस नॉर्थ पोल को ये मैग्नेटिक फील्ड इधर खींचना चाहिए और साउथ पोल को इधर खींचना चाहिए, सो दे विल क्रिएट अ काइंड ऑफ कपल एंड टॉर्क एंड हेंस एंड द टॉर्क इज गिवन बाय टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक मोमेंट इनटू फील्ड स्ट्रेंथ इनटू साइन थीटा। और इसको माइनस लगा रहा हूं क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज अपोजिट ऑफ द टॉर्क, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है तो टॉर्क इधर घुमाना चाह रहा है, काम खत्म। ये सो फॉर स्मॉल एंगल थीटा, फॉर स्मॉल थीटा व्हाट आई कैन राइट इज साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, देयरफॉर दिस टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द टॉर्क, बी दिस इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट इनटू थीटा। अब ये दो चीजें तो उस पॉइंट पर कांस्टेंट है, इसलिए टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा, सो द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड इज अपोजिट टू इट, दिस इंप्लाइज इट फॉर्म, सो दिस इज द कंडीशन फॉर द, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर SHM, देयरफॉर फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मैग्नेट इन द मैग्नेटिक फील्ड इट कैन परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट डेरिवेशन का है, इसका टाइम पीरियड हमको फाइंड आउट करना है, इसका टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है, तो हम यहां से चलते हैं। जब हमको पता है इस टॉर्क को हम लिख सकते हैं आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। बोर्ड के टेक्स्ट बुक में इस एम को म्यू भी लिखा है, राइट? तो कंफ्यूज नहीं होना है, कैपिटल एम इज नॉट मास, दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। अब अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी एच अपॉन आई इंटू थीटा, सो दिस इज, इफ वी कंपेयर दिस टू, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, देन दिस प्लेस इज टेकन बाय दिस थिंग, सो आई कैन वेरी इजिली सी दैट। देखो यहां पर लिखना है कंपेयर विथ, कंपेयर विथ या फिर कंपेयरिंग विथ दिस, वी गेट ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एम बी अपॉन आई। अब समझ लो कि बी का मतलब बी एच ए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सो सिंपल है, एंड टाइम पीरियड इज नथिंग बट टू पाई बाय ओमेगा। अगर मैं ओमेगा की ये वैल्यू डाल देता हूं यहां पे, तो टाइम पीरियड कम्स आउट टू बी टू पाई स्क्वायर रूट ऑफ आई अपॉन एम बी, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ ए मैग्नेट ऑसिलेटिंग विद स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन अ मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन बी। आपको लास्ट डेरिवेशन छोटा सा 2 मार्क का हो सकता है, डिराइव डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM। देखो भाई डैम्प्ड SHM में क्या होता है, ऐसा कोई पानी से भरा हुआ कोई वेसल है, ऊपर से
स्प्रिंग से ऐसा हैंग किया हुआ मास है जिसको इसके अंदर क्या किया है आपने, पूरा इमर्स किया है और इसके अंदर चल रही है इसकी SHM। पहले क्या होता था, इसको सिर्फ स्प्रिंग का फोर्स लगता था इस मास को, अब इस लिक्विड का ड्रैग फोर्स भी अप्लाई होगा, इसको बोलते हैं डैम्प्ड SHM। सो व्हाट आर द ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस मास, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस आर, अब देखो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, अब MG को यहाँ पे लेना नहीं है मैग्नेट, क्योंकि MG को स्प्रिंग ने स्ट्रेच करके कैंसिल कर दिया, वो नेचुरल लेंथ के बाद वाले ही देख रहे वाले हैं, या फिर इसको ना आप क्या करो सिंपली हॉरिजॉन्टल कंसिडर करो अभी समझने के लिए, तो वहां कोई MG नहीं होगा, राइट। तो F नेट इज स्प्रिंग फोर्स प्लस ड्रैग फोर्स। F नेट को हम क्या लिखते हैं, या फिर मैं यहां पे डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ इसको लिखेंगे हम मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखिए स्प्रिंग फोर्स क्या होता है माइनस KX, और ड्रैग फोर्स क्या होता है माइनस बी इंटू वेलोसिटी, बी इज द ड्रैग कॉन्स्टेंट एंड ऑफ कोर्स एज वी नो दैट ड्रैग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एंड इज अपोजिट टू वेलोसिटी, ठीक है, इसलिए इसका माइनस आ गया। अब इसको क्या लिखते हैं हम एक्सेलरेशन को, डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस KX माइनस बी इंटू वेलोसिटी को क्या लिखते हैं हम DX बाय DT। अब बस इनको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर दो, शिफ्ट करने पर मेरे पास आता है यम डी स्क्वेयर एक्स बाय डी टी स्क्वेयर प्लस बी इंटू DX बाय DT प्लस KX इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड SHM वेयर K इज द फोर्स कॉन्स्टेंट, B इज द ड्रैग कॉन्स्टेंट या फिर ड्रैग फोर्स कॉन्स्टेंट।